ये उबला आलू, उबला चना, टमाटर, अदरक, लहसुन और कांदा फ्राई हो चुका है तड़का। तो आज हमारे घर पे बन रहा है आलू मटर की सब्जी और पूरी। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैं अभी रेडी कर चुकी हूँ और उसका तड़का भी लग चुका है। अभी हम लोग उसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च। मिर्च का पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैं सोचा हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो मैं हरी मिर्च डाल दी और इसमें डाल दिया टमाटर। और इसको अच्छे से तड़के को पकाना है और टमाटर डालने के बाद थोड़ा नमक डालना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। फिर उसको ढक देंगे थोड़ा टाइम। तड़का रेडी, इसको अभी ढक देंगे। ये बहुत दिन के बाद सब्जी बन रहा है तो सोचा आज अपलोड कर देती हूँ वीडियो। और कैसा लगेगा आप कमेंट में बताइए। और ऐसे बहुत ही इजी आलू मटर की सब्जी और पूरी बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े सब लोग खा लेंगे और एकदम हेल्दी अच्छा है। इसमें कोई कलर नहीं, कोई ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और ऐसे आलू को हाथ से ऐसे दबा के एक दो पीस बड़ा रहेगा, एक दो मिक्स हो जाएगा पानी में, ऐसे ही बनाना है। तो मैं बाकी का सब आलू ऐसे ही डाल दी और उसको थोड़ा मिक्स कर दिया है। फिर इसमें डालने के लिए पानी साइड में गर्म पानी भी बिठा दिया है, देखिए साइड में बिठाया है। आप अपने हिसाब से, पूरी के लिए ज़्यादा पानी लगता है तो अपने हिसाब से पानी दें। और आलू जो बॉईल किया था मैं, तभी भी आलू में नमक डाली थी। नमक डालने से क्या होता है, आलू जल्दी पकता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। कुकर में आलू को अलग सीटी लगाया था और चने को अलग। अभी गर्म पानी में पूरा दे दिया है, देखिए अभी पानी देने के बाद भी ये कम है पानी, मतलब आलू में ज़्यादा पानी लगता है। तो ये तो अभी के लिए ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन बाद में ये सूखा बन जाएगा, तो और इतना पानी देना है। और दो ग्लास में फिर गर्म करने के लिए रख दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैं सिर्फ मसाले में नमक डाली थी तो आप अभी सब्जी के स्वाद के अनुसार नमक डालना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टमाटर लगेगा, थोड़ा ऊंचा नमक लगेगा और थोड़ा ऊंचा तीखा भी लगेगा ताकि पूरी के साथ अच्छा लगे खाना। मेरा बच्चा तो तीखा नहीं खाता, इसके लिए मैं हरी मिर्च डाली हूँ। जिसको जो चाहिए तीखा चाहिए तो वो हरी मिर्च खा सकते, नहीं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो कलर आएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं है। और चना डाला है, इसके लिए मैं थोड़ा फोड़नी में भी हींग डाली थी। और ये सब्जी हो गया है, ये थोड़ा होने के बाद बाकी का गर्म पानी डाल देंगे। अभी मैं पूरी बनाने के लिए रेडी कर दिया है, इसको पानी डाल देंगे जितना पानी चाहिए। मैं तो पूरा ही डाल दिया, मतलब चार ग्लास पानी डाला है। आधा किलो आलू, पाव किलो चना और नॉर्मल सी, मतलब फोड़नी में ज़्यादा कांदा लिया है, ज़्यादा टमाटर लिया है। बस ये बहुत ही अच्छा सब्जी बन गया है आलू मटर का। और अभी डाल देंगे गरम मसाला और उसको ढक देंगे। ये हो गया रेडी। अभी दूसरी साइड, इसको मैं सरसों के तेल में आज बनाया है। बारिश का टाइम है, सरसों का तेल गर्मी देता है तो हम लोग को तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैं सरसों का तेल में आज बनाया है सब्जी। वैसे नॉर्मली हम सरसों का तेल नहीं खाते। ये हम पूरी बनाने के लिए रेडी कर दिए। आप तो इसे ही देखे होंगे, एक एक पूरी बेल के तलते हैं, लेकिन मैं क्या किया है, इसको एक बड़ा सा रोटी जैसा बेल के उसको बीच में चार साइड काट के इसको तलने के लिए रखा है। लेकिन एक साइज़ में बहुत ही बड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप क्या कर सकते, इसको बीच में भी काट सकते, लेकिन ये बहुत ही छोटा हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बनाया हूँ ऐसे तो इतना आइडिया भी नहीं था। और आप इसको गोल बना के उसको भी, वाटी रहता है ना छोटा सा, उसमें काट के गोल भी बना सकते। अभी एक एक तल लेंगे हम। अभी मैं तेल में थोड़ा सा नमक डाली हूँ, तेल में, तेल की कढ़ाई में नमक डालने से क्या होता है, और टेम्परेचर जो रहता है ऑयल का
हाई रहता है और जो फ्लेम है आंच है गैस का मीडियम रहता है। तेल नहीं, जो पूरी रहता है ज़्यादा तेल सोखेगा नहीं, मतलब अच्छे से पूरी बन जाएगा कम तेल में। ऐसे भी बहुत ही अच्छा फूटता है। ये तो बहुत ही छोटा साइज हो गया, आगे आपको दिखाऊंगी और अच्छा अच्छा बना के पूरी। गोल वाला भी और जैसे वाटी डाल के काट के भी बनाते हैं और ऐसे नॉर्मल साइज़ का भी, नहीं तो एक रोटी का पांच भाग करके उसको भी बना सकते, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। रेसिपी अच्छा लगेगा तो फ्रेंड लोग के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। और ऐसे ऐसे इजी तरीके से पूरी बना के अपने बच्चे को खिलाइए। अब जब भी सुबह बच्चे लोग को टिफ़िन देना रहता है ना, ऐसे बना देंगे तो बच्चे लोग खुशी खुशी लेके खा लेंगे। मेरे बच्चे को सूखा पूरी पसंद है, भाजी के साथ पसंद नहीं, इसके लिए मैं इसको टिफ़िन में नहीं देती, रोटी देती हूँ नॉर्मल। अभी देखिए मैं बाटी में काट के दिखाती हूँ, ये बहुत बड़ा बाटी है मेरा तो बराबर नहीं है, इससे छोटा थोड़ा सा छोटा साइज़ का आप ले सकते हैं। लेकिन ये देखिए साइड में ये बच गया, ये वेस्ट होता है, बाद में इसको फिर पानी डाल के गूंद के फिर बनाना पड़ता है, तो इससे अच्छा उसको काट के ही बना ले, नहीं तो एक एक पूरी तल बेली और तली उसमें ज़्यादा टाइम जाता है और फटाफट होता नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आज से तो ऐसे ही करूँगी, पूरी रोटी के जैसा बेल दूँगी, उसको 5 पार्ट में काट लूँगी, फिर तल लूँगी। इतना इजी और बहुत ही सही रहता है। हम लोग का बहुत टाइम बाद आज पूरी बनाया है, मतलब बहुत साल, बहुत महीना, बहुत दिन के बाद पूरी बनाई हमारे घर पे। देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है। इसको मैं 5 भाग में काटूंगी अभी। देखिए ये बराबर साइज है, ठीक है, ऐसा साइज का बराबर। और एक दो ही तली ताकि टेम्परेचर भी ऑयल का सही रहे और अच्छे से पूरी भी मस्त बन जाए। ज़्यादा डाल देंगे 4-5 तो नहीं होता है, तो मेरा कढ़ाई भी छोटा है तो मैं दो दो तीन ही बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कोल बनाएंगे तो एक ही बना सकते हैं, एक निकालने के बाद फिर दूसरा डाल सकते हैं। पूरा कैसे फूक के बहुत ही अच्छा बन गया। जिसको पूरी सब्जी आलू सब्जी पसंद नहीं है वो भी उंगली चाट के खा लेंगे, बहुत ही अच्छा बनाया आज। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Sometimes seeing eyes of mine, love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it.